हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसका आप बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं, और वो चीज़ें हमारी सुपर टेस्टी चोको चिप्स। चोको चिप्स गर्मियों में एक ऐसी चीज़ है जिसे आप आइसक्रीम, केक, डेजर्ट, बिस्किट हो या मफिन हो, सब में हम यूज करते हैं। चोको चिप्स का यूज करते हैं मात्र एक ही चीज़ से आप झटपट घर में ही बना सकते हैं, और बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और 5 रुपए के बिस्किट से हम बनाएंगे चोको चिप्स, जिसे आप ढेर सारे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। चोको चिप्स बनाएंगे ना बटर ना यूज करेंगे, ना चॉकलेट यूज करेंगे, और ना ही हम कोको पाउडर का यूज करेंगे। तो चलिए देखें मैंने चोको चिप्स को कैसे बनाया है। कोई भी चॉकलेट फ्लेवर में बिस्किट ले लें। मैंने ये ओरियो बिस्किट लिया है, 5 रुपए वाला ये बिस्किट है, 5 रुपए में आ जाता है। इस बिस्किट को हम लेंगे, इस बिस्किट को हम तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। मात्र 5 रुपए के बिस्किट से देखिएगा कितना सारा चोको चिप्स हमारा बनके रेडी हो जाएगा। बिस्किट को मैं डालूंगी मिक्सी के जार में। अब आधा चम्मच से भी कम मैं डालूंगी इसके अंदर कॉफी पाउडर, और इसका एक फाइन पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अब इसका मैंने पाउडर बना लिया है, और अब यहाँ खास ट्रिक है ये कि इसका पानी से घोल तो बनाना है हमें, लेकिन एक एक चम्मच करके पानी डालना है, और ऐसा हमें 5 से 6 बार करना है। मैं इसके अंदर 1 चम्मच पानी डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी। जब तक इसके अंदर बढ़िया ग्लेस नहीं आ जाए तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। 1-1 चम्मच करके हम पानी डालेंगे। बस इस तरीके से हम इसे करते रहेंगे, और ज़रूरत लगेगी तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर ग्लेस आ गया है। हमें इसके अंदर तीसरी चीज़ डालनी ही नहीं है, ना चॉकलेट पाउडर डालना है, ना बटर डालना है, ना कोको पाउडर डालना है, कुछ भी हमें नहीं डालना है। बस इसी तरीका से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया ग्लेस आ गया है, बहुत बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम लेंगे एक कूपी। यदि आपके पास कूपी नहीं हो तो आप दूध वाला पैकेट लें और इसे अच्छे से धो के सुखा लें। इस बात का ध्यान रखें। तो हम डालेंगे एक ग्लास के अंदर इस तरीके से, और इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी सारा मिक्सचर को। सारे मिक्स को मैंने दूध के पैकेट के अंदर डाल दिया है, और ये बहुत बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा कट करके निकाल लेंगे। अब मैंने एक ट्रे ली है, और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर को रख दिया है। आप बटर पेपर हो या नहीं तो कोई भी प्लास्टिक हो या दूध वाला पैकेट हो, उसको इसके ऊपर बिछा लें, और इसको हम छोटा सा इस पे कट लगा देंगे कैंची से इस तरीका से। बस, और इस तरीका से हम बिल्कुल पास पास में थोड़ा सा दूरी पे बिल्कुल जैसे चोको चिप्स रहता है उसी तरीका से हम, धूप है तो 3 से 4 घंटा के अंदर ये अच्छे से सूख जाएगा धूप के अंदर। यदि धूप नहीं है तो पंखे की हवा में इसे पूरा 1 दिन लग जाएगा सूखने में। इसको बढ़िया से सुखा लेंगे हम। इसी तरीका से मैं सारे चिप्स को बना लूँगी। मैंने सारे चोको चिप्स को बना दिया है। अब इसको हमें अच्छे से सुखाना ज़रूरी है, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। बढ़िया से सूखेंगे तो एकदम ये क्रिस्पी रहेंगे, और बिल्कुल भी इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। इसे आप बाहर जैसे बिस्किट को रखते हैं उसी तरीका से 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तब हम इसे धूप में सुखाएँगे। यदि धूप नहीं होता आप पंखे की हवा में सुखाएँ। अब ये पूरी तरह से सूख गई है, इसकी आवाज़ सुने तो है ना बहुत बढ़िया आवाज़। अब देखें कितने सारे चोको चिप्स तैयार हो गए हैं। अभी एक बार अच्छे से सूख गई है तो कोई टेंशन नहीं है, आप चाहें तो 2 महीने भी इसे बाहर रख सकते हैं। जैसे बिस्किट को हम बाहर रखते हैं, बस एयर टाइट जार में रखें और अच्छे से सूखा कर रखें। और ये देखें आपके टाइम और पैसे दोनों की बचत हुई है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।